हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थगुरु में स्वागत है। अगर आपकी कमर की नस दब रही है और इनकी वजह से जब भी आप लंबे समय के लिए खड़े रहते हो या फिर चलते हो, इनके बाद आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, तो आज हम इस वीडियो में ऐसे एक आसान एक्सरसाइज सीखने वाले हैं कि जिनको अगर आप नियमित करते हो तो जो कमर की नस है वह खुल जाएगी, फिर आपके पैरों का जो दर्द है उसमें भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले जान लेते कि यह कमर की नस दबती कैसे है। तो यहाँ पर हमारा जो यह स्पाइन होता है, यह स्पाइन में जो वर्टेब्री है, यह वर्टेब्री के बीच में इस तरीके से गादी होती है जिनको डिस्क बोला जाता है। इनके अलावा साइड पर इस तरीके से दोनों साइड पर ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं जिनको न्यूरल फोरामिना बोला जाता है, और यह जो होल है वहाँ से दोनों साइड पर से इस तरीके से नसें यानी कि नर्व्स बाहर निकलती है, और यह जो नर्व्स होती है वह मिलकर हमारे थाई के पीछे से, हमारे लेग के पीछे से, हमारे जो तलवा होता है वहाँ तक यह नसें जाती है। यहाँ पर अगर जो हमारी यह गादी है जो डिस्क है वह पीछे की साइड पर बाहर निकल जाती है, जिनको स्लिप डिस्क या फिर डिस्क हर्निएशन या फिर डिस्क बल्ज बोला था। तो इनकी वजह से होता क्या है, जो साइड पर छोटे छोटे होल है, न्यूरल फोरामिना है, इनकी जो जगह होती है वह जगह कम हो जाती है। इनकी वजह से जो बाजू पर से नसें निकलती है इनके ऊपर दबाव आता है, फिर हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। और खास करके जब भी हम लंबे समय के लिए खड़े रहते हैं और चलते हैं, तब ये जो जगह है, जो न्यूरल फोरामिना का स्पेस होता है, वो और ज़्यादा कम हो जाता है। इसीलिए बैठने की कंपैरिजन में जब भी हम खड़े रहते हैं या फिर चलते हैं उस वक्त हमें दर्द ज़्यादा होता है। तो यह जो कंडीशन है, यह कंडीशन को स्टेनोसिस बोला जाता है। कई बार आपने यह वर्ड को सुना होगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, इनका सॉल्यूशन भी काफ़ी आसान है। जो यह न्यूरल फोरामिना यानी कि साइड पर जो होल है इनकी जगह को हमें बढ़ाना है, स्पेस को इंक्रीज करना है। तो यह नस के ऊपर जो दबाव आ रहा है वह दबाव भी हमारा कम हो जाएगा, फिर हमारे पैरों में जो दर्द हो रहा है उसमें भी हमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इनके लिए हमें बहुत ही आसान से एक एक्सरसाइज को करना है, को जान लेते। यह एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरीके से सीधा लेट जाना है, इनके बाद दोनों लेग को घुटने में से बैंड करके खड़ा कर देना है, फिर नीचे से दोनों फुट को, ऊपर से दोनों घुटने को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ला देना है। इनके बाद जिस साइड के लेग में आपको दर्द हो रहा है इनके अपोजिट साइड पर हमें दोनों लेग को घुमाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेफ्ट लेग में दर्द हो रहा है तो राइट साइड पर हमें दोनों लेग को घुमाना है। तो इस तरीके से दोनों लेग को हमें राइट साइड पर घुमाना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है, जो दोनों घुटने हैं वह एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, नीचे की साइड पर दोनों फुट एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। यह पोजीशन में आने के बाद जो हमारा लेफ्ट आर्म है इनको इस तरीके से साइड पर सीधा कर देना है। हमारी जो बॉडी होती है इनके परपेंडिकुलर हमारे हाथ को जमीन पर रख देना है। इनके बाद हमारा जो राइट हैंड है वह राइट हैंड से ऐसे थाई को होल्ड करना है, फिर इस तरीके से दोनों लेग को ऊपर की साइड पर हमें लाते जाना है, हैंड का सपोर्ट लेके दोनों लेग को ऐसे ऊपर खींचना है, इस तरीके से ऊपर खींचते रहना है। जहाँ पर आपको हल्का दर्द शुरू हो जाए वहाँ पर रुक जाना है। इनके बाद जो हमारा राइट हैंड है वह राइट हैंड से ऊपर वाले लेग को इस तरीके से नीचे दबा के रखना है ताकि दोनों घुटने एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहेंगे। इनके बाद यहाँ पर हमारा जो एल्बो है वह एल्बो को भी जमीन पर टिका देना है। इनके बाद फिर हमारा जो हेड है वह हेड को इस तरीके से लेग के अपोजिट साइड पर घुमा देना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है, आपका जो लेफ्ट शोल्डर है वह जमीन पर से ऊपर इस तरीके से नहीं उठना चाहिए। तो यह पोजीशन में आपको 30 सेकंड के लिए रुकना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है।
तो यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट साइड की नस होती है वह ओपन होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो न्यूरल फोरम है ना होता है, जहाँ पर से हमारी लेफ्ट नर्व निकलती है वह ओपन होता है, इनका स्पेस इंक्रीज होता है, इसीलिए लेफ्ट नर्व के ऊपर से दबाव दूर होता है, फिर हमारे लेफ्ट लेग में जो दर्द हो रहा है इसमें हमें तुरंत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। इनके बाद जो हाथ का प्रेशर है इनको रिलीज़ करना है, लेग को इस तरीके से रिलैक्स कर देना है, फिर दोनों लेग को इसे नीचे लेना है, फिर इस तरीके से दोनों लेग को घुमा देना है, न्यूट्रल पोजीशन में आ जाना है। इसी तरीके से अगर आपको राइट लेग में दर्द हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर हमें दोनों लेग को घुमाना है, तो पहले स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है, दोनों लेग को घुटने में से बेंड करना है, नीचे की साइड पर फुट को और ऊपर की साइड पर दोनों घुटने को जोड़ देना है। इनके बाद लेफ्ट साइड पर हमें दोनों लेग को ऐसे घुमाना है, यहाँ पर दोनों जो घुटने हैं वह एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, नीचे की साइड पर दोनों फुट एक दूसरे के ऊपर रहने चाहिए। इनके बाद हमारा जो राइट आर्म है इनको बॉडी के परपेंडिकुलर नीचे ज़मीन पर रख देना है। इनके बाद फिर हमारा जो लेफ्ट हैंड है वह लेफ्ट हैंड से ऊपर वाली जो थाई है इनको इस तरीके से होल्ड करना है और फिर इस तरीके से दोनों लेग को ऊपर खींचते जाना है। कहाँ तक लाना है? जहाँ पर आपको हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाए वहाँ पर आपको रुक जाना है। इनके बाद हमारा जो हैंड है वह हैंड से ऊपर वाले लेग को इस तरीके से नीचे खींच लेना है, नीचे दबा देना है, ताकि दोनों घुटने एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए और जो नीचे वाला लेग है वह बिल्कुल ज़मीन के संपर्क में रहना चाहिए। इस तरीके से होल्ड करना है। यहाँ पर हमारा जो यह एल्बो है वह एल्बो हमारा नीचे ज़मीन के कांटेक्ट में आना चाहिए, वहाँ तक लेग को इस तरीके से खींचना है। इनके बाद फिर हमारा जो हेड है वह हेड को अपोजिट साइड पर इस तरीके से घुमा देना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है जो हमारा राइट शोल्डर है वह ऐसे लिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो यह पोजिशन में आपको 30 काउंट होल्ड करना है, 30 सेकेंड के लिए रुकना है। तो यहाँ पर हमारे जो राइट साइड की नस होती है वह खुलती है, क्योंकि राइट जो न्यूरल फोरामिना में ना होता है जहाँ से हमारी राइट नर्व निकलती है वह न्यूरल फोरामिना का स्पेस बढ़ता है, इसलिए नस के ऊपर से दबाव दूर होता है, फिर हमारे राइट लेग में जो दर्द हो रहा है उसमें हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। इनके बाद पहले हाथ का प्रेशर रिलीज़ करना है, लेग को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, फिर दोनों लेग को इसे नीचे लेना है, इनके बाद फिर दोनों लेग को घुमा के न्यूट्रल पोजीशन में आ जाना है, इनके बाद दोनों लेग को सीधा कर देना है। तो यहाँ पर यह जो एक्सरसाइज है इनके 5 रिपीटेशन आपको करना है, जिस साइड आपको हो रहा है इनके अपोजिट साइड पर यह पोज को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर हमने जो ये एक्सरसाइज आपको सिखाई इनको अगर आप नियमित करते हो तो जो कमर की नस दब रही है वह खुल जाएगी, फिर हमारे पैरों में जो दर्द हो रहा है उसमें भी हमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इनके अलावा यह जो नस हमारी डैमेज हुई है इनकी हीलिंग प्रोसेस भी जल्दी से होने लगेगी। आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते। Thank you for watching.